नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इतिहास की प्रमुख घटनाएं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। सबसे पहला सवाल है कि भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था। तो भारत में आर्यों का जो आगमन है ये 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 1500 ईसा पूर्व में भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। नेक्स्ट है कि महावीर का जन्म कब हुआ था। तो महावीर का जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व में। कब हुआ था दोस्तों? 599 ईसा पूर्व में महावीर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है कि महावीर का निर्वाण कब हुआ था, यानी कि महावीर का मृत्यु कब हुआ था। तो महावीर का मृत्यु हुआ था 468 ईसा पूर्व में। कब हुआ था दोस्तों? 468 ईसा पूर्व में महावीर का मृत्यु हुआ था, यानी कि निर्वाण हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं अगला। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट आपके सामने है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। कब हुआ था दोस्तों? 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, जो वर्तमान नेपाल में पड़ता है। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ था। तो 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ था, तो 483 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है कि सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ था। 326-325 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 326-25 ईसा पूर्व में सिकंदर का भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है कि अशोक द्वारा कलिंग पर विजय कब हुआ था, 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, यानी कि अशोक द्वारा कलिंग पर विजय कब हुआ था दोस्तों, तो 261 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है कि विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ था, तो 58 ईसा पूर्व में। कब हुआ था दोस्तों? 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत का आरंभ हुआ था। नेक्स्ट है कि शक संवत का आरंभ कब हुआ था, तो 78 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे ईसा पूर्व नहीं होगा, ईस्वी है। ठीक है, तो 78 ईस्वी में शक संवत का आरंभ हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अगला आपके सामने है कि हिजरी संवत का आरंभ कब हुआ था, तो 622 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 622 ईस्वी में हिजरी संवत का आरंभ हुआ था। नेक्स्ट है कि फाहियान की भारत यात्रा कब हुआ था, तो 405-411 ईस्वी में। ठीक है, 405-411 ईस्वी में फाहियान की भारत यात्रा हुआ था। नेक्स्ट है कि हर्षवर्धन का शासनकाल ये कब हुआ था दोस्तों, तो 606-647 ईस्वी। यानी कि हर्षवर्धन का शासनकाल क्या है, 606-647 तक ईस्वी में हर्षवर्धन का शासनकाल है। नेक्स्ट है कि हेनसोंग की भारत यात्रा कब हुआ था, तो 630 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 630 ईस्वी में हेनसोंग की भारत यात्रा हुआ था। अच्छा, हेनसोंग जो आया था, चीनी यात्री था, ये किसके शासनकाल में आया था, तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था, 1025 ईस्वी में। ठीक है, 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट है तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी को, बहुत इंपॉर्टेंट है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी को तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं अगला है कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी को। ठीक है, याद रखिएगा कि तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी को। नेक्स्ट है कि गुलाम वंश की स्थापना, तो 1206 ईस्वी को। ठीक है, 1206 ईस्वी को गुलाम वंश की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है कि वास्को डिगामा का भारत आगमन कब हुआ था, 1498 ईस्वी को वास्को डिगामा का भारत आगमन हुआ था। याद रखिएगा, कालीकट बंदरगाह पर पहुँचा था। नेक्स्ट है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था दोस्तों, तो आपको पता है कि 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, 1556 ईस्वी को पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है पानीपत का तीसरा युद्ध, ये 1761 ईस्वी को हुआ था। तीनों युद्ध आपको याद रखना है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी को, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी को, और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला है कि अकबर का राज्यारोहण। ठीक है, अकबर का राज्यारोहण 1556 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1556 ईस्वी को अकबर का राज्यारोहण हुआ था। नेक्स्ट है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो 1576 को हुआ था। याद रखिएगा कि 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है कि दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब हुई थी, तो 1582 ईस्वी को। ठीक है, 1582 ईस्वी को दीन ए इलाही धर्म की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों, तो 1757 ईस्वी को हुआ था। याद देखिए कि 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था।
नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध, तो 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लासी का युद्ध, ठीक है, देखिए हल्दी घाटी का युद्ध 1776 ईस्वी को इंपॉर्टेंट है, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी को, ठीक है, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी को बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त कब हुआ था, तो 1793 ईस्वी को, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अगला आपके सामने है कि बंगाल का प्रथम विभाजन ये कब हुआ था, तो 1905 को हुआ था, याद रखिएगा कि बंगाल का प्रथम विभाजन 1905 में। नेक्स्ट है कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी को हुआ था, किसने किया था मुस्लिम लीग की स्थापना, तो आगा खान ने किया था मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी को। नेक्स्ट है कि मार्ले मिंटो सुधार 1909, याद रखिए ये भी इम्पॉर्टेंट है, मार्ले मिंटो सुधार 1909 में हुआ था। नेक्स्ट है कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक, ठीक है, याद रखिए कि 4 साल तक लड़ा गया था प्रथम विश्व युद्ध। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध, तो 1939 से लेकर 1945 तक, यानी 6 साल लड़ा गया था द्वितीय विश्व युद्ध। नेक्स्ट है कि असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चला था असहयोग आंदोलन, और चौरा चौरी हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। चौरा चौरी कांड कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 को। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक 4 साल तक हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है, अगला आपके सामने है कि साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ था, तो 1928 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा कि साइमन कमीशन का जो आगमन है कब हुआ था, 1928 को। नेक्स्ट है कि डांडी मार्च नामक सत्याग्रह 1930 में हुआ था, ये भी इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, कि डांडी मार्च नामक सत्याग्रह 1930। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। और एक पूना पैक्ट था, पूना पैक्ट 1932 में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना कि पूना पैक्ट कब हुआ था, 1932 को, गांधी इरविन समझौता 1931 को। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी की हत्या कब की गई थी दोस्तों, तो 30 जनवरी 1948 को, ठीक है, नाथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को 3 गोली मारा था, किसने मारा था दोस्तों, नाथुराम गोडसे ने, और कब हुआ था इनकी हत्या, तो 30 जनवरी 1948 को, इसलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि चीन का भारत पर आक्रमण 1962 में हुआ था, कब हुआ था, 1962 को हुआ था चीन का भारत पर आक्रमण। नेक्स्ट है अगला आपके सामने है कि भारत पाक युद्ध कब हुआ था, तो 1965 को हुआ था, यह भी आपको ध्यान रखना है कि भारत पाक युद्ध 1965। नेक्स्ट है ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था, 1966 को ताशकंद समझौता हुआ था। नेक्स्ट है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था दोस्तों, 1565 ईस्वी को, ठीक है, याद रखिए कि 1565 ईस्वी को तालीकोटा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है कि प्रथम आंगल मैसूर युद्ध कब हुआ था, 1767 से लेकर 69 तक, ठीक है, 1767 से 69 ईस्वी तक प्रथम आंगल मैसूर युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध कब हुआ था, 1980 से 84 के बीच, ठीक है, 1980 से 84 के बीच, यानी सॉरी 1780 से 1784 के बीच द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है कि तृतीय आंगल मैसूर युद्ध ये कब से कब तक हुआ था, तो 1790 से 1792 ईस्वी तक, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है अगला आपके सामने है कि चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध, तो 1799 ईस्वी को हुआ था, कब हुआ था, 1799 ईस्वी को चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है कारगिल युद्ध 1999 को हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कारगिल युद्ध कब हुआ था, 1999 को। नेक्स्ट है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 को हुआ था, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 को। नेक्स्ट है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 1931 को हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। नेक्स्ट है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 को, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, याद रखिएगा, प्रथम 1930, 1931 द्वितीय, और तृतीय 1932। नेक्स्ट है क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ था, 1942 को हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है कि क्रिप्स मिशन का आगमन 1942 में हुआ था। नेक्स्ट है अगला आपके सामने है कि चीनी क्रांति कब हुई थी, 1911 ईस्वी को हुई थी चीनी क्रांति। नेक्स्ट है फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी को हुआ था फ्रांसीसी क्रांति। एक है रूसी क्रांति, ये कब हुआ था, ये 1917 ईस्वी को हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो ये था इतिहास की कुछ प्रमुख घटनाएं जो आपको ध्यान देना है, ठीक है दोस्तों, एग्जाम में सवाल पूछ सकता है, इसीलिए वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।